हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं धनिया की पंजीरी। इसकी वीडियो मैं अभी आपसे आगे शेयर करने जा रही हूँ। एकदम ऑथेंटिक है। पहले के लोग जैसे बनाते थे ना, एकदम बिना घी बिना तेल के यूज किए हुए, वैसे मैंने बनाई है। तो ओके, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। हैप्पी जन्माष्टमी फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल एन्जॉय कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं श्री कृष्ण के जन्म के लिए जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में पंजीरी, धनिया की पंजीरी, ऑथेंटिक पंजीरी, जैसे हमारे पेरेंट्स हमने दादा दादी बनाते थे। मैं आज भी वैसे ही बनाती हूँ और वही रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो इसमें आपको लेना है एक कटोरी धनिया पाउडर, है सेक के पाउडर किया है, एक कटोरी शुगर पाउडर, पाव कटोरी मैंने लिया है कोकोनट पाउडर लिया है, ये कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट है, और एक चम्मच इलायची पाउडर, पाव चम्मच काली मिर्ची पिसी हुई। पंजीरी में तो ये डालते ही डालते हैं, आप मंदिर में कोई भी प्रसाद लेंगे ना पंजीरी का, तो उसमें ये रहता ही है। और ये मैंने लिया है, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल लीजिए ऊपर से। ये मैंने बादाम काट के रखे और मिश्री, जिसके बिना कृष्ण भगवान खुश नहीं होते। ओके, तो मैंने इसमें तेल घी कुछ भी यूज नहीं किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले धनिया गरम गरम कढ़ाई में डालेंगे और सेकेंगे। और कितनी देर सेकना है, जब तक सुगंध आने लग जाएगी आपको थोड़ी देर में। जैसे ही सुगंध आने लग जाएगी वैसे हमको इसको निकाल लेना है। ओके, ये देखिए, ये सीख गया धनिया, सुगंध आने लग गई है। मैंने इसमें तेल घी कुछ भी यूज नहीं किया है। देखो चिपकने लग जाता है तो काला रंग खराब होने लग जाएगा, तो इसको हमें बाउल में निकाल लेना है। ओके, बाउल में निकाल लिया है। अब इसी कढ़ाई में हमें डेसिकेटेड कोकोनट भी सिर्फ 2 मिनट सेकना है, ज़्यादा देर नहीं, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाता है। सिर्फ उसकी कढ़ाई ऑलरेडी गर्म है, हो गया है बस 2 मिनट नहीं, इसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। ओके, अब हम ये दोनों मिला दिया। अब हम इसमें मिलाएंगे शक्कर। शक्कर आप कम ज़्यादा आपका टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। मैंने एक बाउल लिया है, जैसे एक कटोरी धनिया पे एक कटोरी शक्कर लिया है। ओके, इसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। शक्कर को पीस के अच्छे से गुठलियाँ निकाल के रखेंगे तो और अच्छा है। मैंने शक्कर पहले से पीस के रखी थी। ओके, ये हमने धनिया पाउडर, कोकोनट डेसिकेटेड कोकोनट और शक्कर मिला दिया है। इसमें मैं डालने जा रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, कम ज़्यादा कर सकते हो हम। इसमें सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट चाहिए काली मिर्ची का। और मेन चीज़, इसके बिना तो टेस्ट मतलब एकदम से एनहेंस हो जाता है पंजीरी का टेस्ट, कोई छोड़ेगा भी नहीं, और मांग के खाएंगे। ओके, और सबसे मेन चीज़ है, अभी इसमें मिलाएंगे हम मिश्री और बादाम। तो फ्रेंड्स, हमारी पंजीरी तैयार है। इसमें हम तुलसी रख के अपने भगवान को भोग लगाएंगे। ओके,